सत्रकाल आदाब दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से क्रिकेट लाइन गुरु चैनल के प्री मैच एनालिसिस में, जहां हम आज कवर करेंगे दी 100K28th मैच को, जो कि वेल्स फायर और लंदन स्प्रेड के बीच खेला जाएगा। वेल आपको बता दें कि सोफिया गार्डन कैनेडिप में ये मुकाबला होगा 20 अगस्त को, यानी कि संडे के दिन रात 10:30 बजे। तो दोस्तों, अगर सोफिया गार्डन की पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो टोटल मैचेस यहां पर 10 खेले गए हैं, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 5 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने भी 5 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर रहा है 143 का। हाईएस्ट स्कोर यहां बनाया था वेल्स फायर की टीम ने 165 का, तो वहीं लोएस्ट स्कोर भी वेल्स फायर की टीम के नाम ही रहा है 114 का। हेड टू हेड कंपैरिजन की बात करें तो वेल्स फायर और लंदन स्प्रिट के बीच 2 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से एक एक मुकाबला दोनों ही टीमों के नाम रहा है। ऐसे में दोस्तों, दी 100 के अगर पिछले कुछ मुकाबलों की बात की जाए तो वेल्स फायर को अपने पिछले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था, तो वहीं लंदन स्प्रिट अपने पिछले 2 मुकाबलों में जीत हासिल कर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों, वेल्स फायर की टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज करना जरूर चाहेगी, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में भी इस वक्त वेल्स फायर की टीम नंबर 7 पर नजर आ रही है। बता दें कि वेल्स फायर ने 6 मुकाबले खेलते हुए 2 ही मुकाबलों में जीत दर्ज की है, तो वहीं 3 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और एक मुकाबला टाई रहा था। ऐसे में ये मुकाबला वेल्स फायर की टीम जीतना जरूर चाहेगी। तो यहाँ पर टॉम एबल, जो कि टीम के कप्तान है, किन 11 खिलाड़ियों को मौका देंगे लंदन की टीम के साथ भिड़ने का, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या हो सकती है वेल्स फायर की प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो यहाँ पर शामिल रह सकते हैं स्टीफन एस्केनाजी, जॉनी बेरिस्टो, जो क्लार्क, ल्यूक वेल्स, टॉम एबल, ग्लेन फ्लिप्स, डेविड विली, रोलफ वेंडर मर्वे, शाहिन अफरीदी, हैरिस रॉफ और जैक बॉल। तो ये 11 खिलाड़ी दोस्तों हमें नजर आ सकते हैं लंदन के खिलाफ भिड़ते हुए। अब की प्लेयर्स की अगर बात करें तो स्टीफन एस्केनाजी का नाम हमने शामिल किया है, जिन्होंने 6 मैचेस खेलते हुए 141 रन स्कोर किए हैं। जो क्लार्क की बात करें तो 6 मुकाबलों में उन्होंने 139 रन बनाए हैं। तो वहीं टॉम एबल का नाम भी हमने शामिल किया है, जिन्होंने अपने पिछले मुकाबले में यानी कि ट्रेंट रॉकेट्स के खिलाफ 32 रन स्कोर किए थे। गेंदबाजी की बात करें तो यहां पर डेविड विली का नाम हमने शामिल किया है, जिन्होंने अभी तक 65 बॉल्स खिलाते हुए 5 विकेट अपने नाम किए हैं। तो वहीं अगला नाम है रोलफ वेंडर मर्वे का, जिन्होंने 6 विकेट चटकाए हैं अभी तक के मुकाबले खेलते हुए। जैक बॉल की अगर बात करें तो उनका ये फर्स्ट मुकाबला था जहां पर उन्हें खेलने का मौका मिला था, और उन्होंने ट्रेंट रॉकेट्स के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट अपने नाम किए थे। तो ये तो बात हो गई वेल्स फायर की टीम की। अब लंदन स्पिरिट की अगर प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो यहां पर दोस्तों शामिल रह सकते हैं जैक क्रॉली, एडम रॉसिंगटन, डेनियल लॉरेंस, मैथ्यू वेड, डेरिल मिचेल, रवि बोपारा, मैथ्यू क्रिचली, जॉर्डन थॉमसन, लियम डॉसन, नेथन एलिस और डेनियल वॉरेल। तो इन 11 खिलाड़ियों को डेनियल लॉरेंस, जो कि टीम के कप्तान है, वो मौका दे सकते हैं प्लेइंग 11 में शामिल होने का। लंदन स्प्रिट के अगर की प्लेयर्स की बात की जाए तो यहाँ पर एडम रॉसिंगटन का नाम हमने शामिल किया है, जिन्होंने 4 मैचेस खेलते हुए 154 रन बनाए हैं। डेनियल लॉरेंस की बात करें तो 4 मुकाबलों में उन्होंने 145 रन बनाए हैं। तो वहीं मैथ्यू वेड का नाम हमने यहाँ पर शामिल किया है, जिन्होंने अपने पिछले मुकाबले में यानी कि नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के खिलाफ मात्र 22 गेंदों में 42 रन की पारी खेली थी। तो वहीं डेरिल मिचेल ने दोस्तों अपने पिछले मुकाबले, जो कि नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के खिलाफ खेला गया था, वहां पर 34 रन स्कोर किए थे। अब बात आ जाती है गेंदबाजों की, तो रवि बोपारा ने नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के खिलाफ बढ़िया गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए थे। लियम डॉसन अभी तक 105 गेंदों में उन्होंने 6 विकेट हासिल किए हैं। तो वहीं आखिरी नाम है नेथन एलिस का, जिन्होंने 94 बॉल्स में 6 विकेट अपने नाम किए हैं। तो दोस्तों, ये हो गए लंदन स्प्रिट के की प्लेयर्स। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि आखिर ये मैच कौन सी टीम जीती हुई नजर आएगी। तो हेड टू हेड कंपैरिजन को देखते हुए तो दोनों ही टीमों ने एक एक मुकाबला अपने नाम किया है। तो वहीं पिच रिपोर्ट में भी फर्स्ट बैटिंग और सेकंड बैटिंग दोनों का स्कोर बराबर नजर आता है, यानी कि 5 मुकाबले फर्स्ट बैटिंग की टीम ने जीते हैं, तो वहीं सेकंड बैटिंग करते हुए टीम ने भी 5 मुकाबले अपने नाम किए हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट स्कोर वेल्स फायर की टीम के नाम दर्ज है, तो वहीं लोएस्ट स्कोर भी वेल्स फायर की टीम ने बनाया था। तो ऐसे में वेल्स फायर की टीम को कम आंकने की गलती ना की जाए, लेकिन दोस्तों यहां पर जीत की जो दावेदार है वो लंदन स्प्रिट नजर आ रही है, यानी कि लंदन यहां पर वेल्स फायर को मात देने में कामयाब हो सकती है और जीत का परचम लहरा सकती है। वेल, आपके हिसाब से कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी और बढ़ेगी आगे दी 100 के सीजन में, क्या लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब हमारे साथ जरूर शेयर करें। इसी के साथ इस वीडियो से मैं लेती हूं आपसे विदा। अगली वीडियो में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।